हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार जीएस ऑनलाइन क्लासेस में। डियर स्टूडेंट्स, ऑलरेडी आपको पता है कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट किया है, आज हम इसका दूसरा पार्ट करेंगे। इससे पहले हम वीडियो स्टार्ट करें, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए, हमारा दूसरा पार्ट ये है, इट्स 2/5 × 3/-7 − 1/6 × 3/2 + 1/14 × 2/5। हम इसको सॉल्व करते हैं, इट इज़ 2/5। We can also write 3/-, and we can write −3/7. −1/6 × 3/2 है, इसकी ऑर्डर हम चेंज करेंगे, इसकी जगह पे हम लाएंगे +1/14 × 2/5। तो ये जो −1/6 × 3/2 यहाँ पे था, इसकी ऑर्डर हमने चेंज किया है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज़ की है। यहाँ पे हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगेन हम इस क्वेश्चन को करेंगे इस तरह सॉल्व। जैसे कि आपको पता है, यहाँ पे इट्स अ बाइनोमियल एक्सप्रेशन हियर, सो फॉर दिस एंड दिस एक्सप्रेशन इज कंसर्न। तो यहाँ पे एक 2/5 और यहाँ पे भी 2/5 है, तो हम 2/5 को कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे रहा −3/7 + 1/14। तो यहाँ पे हम इसकी शॉर्ट फॉर्म करेंगे, 3 1s are 3, 3 2s are 6, सो इट विल बी रिटन एज 1 1s are 1, 2 2s are 4। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने दूसरी प्रॉपर्टी यूज़ की है, वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब देखिए आगे, यहाँ पे हम इसका एलसीएम निकालेंगे, 7 और 14 का एलसीएम निकालेंगे। जैसे कि हमें पता है 7 और 14 का एलसीएम 14 ही है, तो हम इसको इस तरह लिखेंगे, 2/5 × −3 को हम न्यूमरेटर में 2 करेंगे मल्टीप्लाई, नीचे 7 जो कि डिनोमेटर, इसको भी हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे, +1/14 को भी हम यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। इट विल बी रिटन एज −1/4। सो 2/5, 3 2s are 6, −6/2 7s are 14, +1 1s are 1/14, −1/4। तो यहाँ पे हमारे डिनोमेटर सेम है, वी कैन राइट इट एज −6 + 1/14 − 1/4। अगेन 2/5, −6 + 1, एज हमें पता है माइनस प्लस हो गया माइनस, तो हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, −6 को हम 1 करेंगे माइनस, तो यहाँ पे रहेगा −5/14 − 1/4। तो यहाँ पे हम देख लेंगे पहले, यहाँ मल्टीप्लाई में 2/5 मल्टीप्लाई में है −5/14 को, तो यहाँ पे हम 5 और −5 को कैंसिल करेंगे, तो यहाँ 2 1s are 2, 2 7s are 14, सो इट विल बी रिटन एज 1 × 1, ये बनेगा −1/7 − 1/4। वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लीजिए, देन यू विल गेट दिस क्वेश्चन। नो, अब हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1s are that will be equal −4, 7 1s are −7, 4 7s are 28, which implies that −4 − 7, −−, हमें पता है वो हो गया प्लस, लेकिन साइन नेगेटिव रहती है, डेट विल बी −11/28। सो स्टूडेंट, ये है इसका आंसर। सो स्टूडेंट्स, आप फिर से देख लीजिए, यहाँ पे मैंने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज़ की है और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ की है। सो द क्वेश्चन कम्स टू एन एंड, यहाँ पे आपकी क्लास ख़त्म होती है, इसलिए अगर आपको समझ आए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे फॉलो कीजिए। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिए हैं, अपने लिंक्स दिए हैं। सो थैंक्स।